और ये रोड कंप्लीट किया है तो इससे इस पूरे इलाके के लोगों को, बल्कि जैसे मैंने कहा पूरे कराची के लोगों का तफरीही लिहाज से एक सहूलत पैदा कर दी गई है। और इसी तरीके से पूरी कराची में, पूरे सिंध में अल्लाह ताला के करम से इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि आज में 14 अगस्त को टर्म ख़त्म हो गया, असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों ने कहा कि जी ये रोड आप ज़रूर इसका आके इफ्तिताह करें, और मैं इसलिए आज के दिन आया हूँ, जो कि एक आध दिन में निगरान वज़ीर आला आ जाएंगे, लेकिन इन लोगों का ये मुतालबा था कि ये रोड आप खुद आके इसके इफ्तिताह करें, और मैं भी इसलिए कि इस रोड पे बचपन से गुज़र होता है, जब भी समंदर की तरफ जाते थे, आज से पिछली सदी में बहुत साल पहले, बताऊंगा नहीं कितने साल पहले नहीं गाड़ी में आते थे तो मैं इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर मैं रब ताला का शुक्रगुजार हूँ कि एक और टर्म 5 साल की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुकम्मल हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की अनथक मेहनत, उनकी गाइडेंस पे हमने कोशिश की है, और हमें पूरे सिंध के लोगों ने हमेशा की तरह मान दिया है, चाहे वो इलेक्शंस हों। आपको पता है जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी 1970 से लेके आज तक, 2023 के इलेक्शन भी हो जाएंगे, और कभी भी हम सबसे बड़ी पार्टी बन के हमेशा उभरे, सिवाय 85 के जो नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, और सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद कई बार हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, लेकिन हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया, बड़ा इफेक्टिवली किया, और सिंध के लोगों की उम्मीद